विदेश मामलों के सलाहकार अब्दुल बासित की छुट्टी हो गई है। पाक में बदलती सत्ता के साथ सूबे के विदेश मामलों के सलाहकार भी बदल चुके हैं। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी माने जाने वाले और उच्चायुक्त अब्दुल बासित की जगह अब पाकिस्तान के अगले उच्चायुक्त की कमान सोहेल महमूद ने संभाल ली है, जिसका मतलब साफ है कि विदेश मामलों में पाकिस्तान की तरफ से अब सोहेल महमूद पैरवी करते हुए नजर आएंगे। वैसे आपको बता दें कि अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही बासित ने रिटायरमेंट लेने का मन बना लिया था। सोहेल महमूद ने अपना पदभार संभाल लिया है और अब वो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना परिचय पत्र पेश करेंगे। लेकिन सोहेल महमूद कौन है और उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, इस पर नजर डाले तो 1985 में सोहेल महमूद ने पाक फॉरेन सर्विस को ज्वाइन किया था। बतौर डिप्लोमेट उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया, जिसकी वजह से उन्हें 1991 से लेकर 1994 के बीच टर्की में पाक राजदूत बनने का मौका मिला। इसके अलावा वो 2009 से 2013 तक थाईलैंड में पाकिस्तान के राजदूत रहे। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सोहेल को ऐसे वक्त में उच्चायुक्त बनाया है जब दोनों देशों में बातचीत का दौर ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ी बर्फ को पिघाल पाने में सोहेल महमूद कामयाब हो पाते हैं या नहीं, ये देखना बाकी है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।